सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहे हैं, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। ठीक है, तो बार बार सॉरी बोलता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी शायद सुनने में अच्छा नहीं लगता होगा। सो गाइस, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम धमाकेदार साइकिल बताने वाला हूँ। इतना याद रखना, जब भी मैं वीडियो लेट लाता हूँ तो हमेशा समझ जाना कि जो भी मैं साइकिल नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो काफ़ी बेहतरीन रहती है और सब साइकिल से अच्छी रहती है। तो जो साइकिल का नाम है वो है कार्डियक फाल्कन, जो कि 2060 वेरिएंट वाला आता है, जो कि काफ़ी मज़ेदार साइकिल है गाइस, काफ़ी अच्छा साइकिल है। अब किस हिसाब से बता रहा हूँ अच्छा है, इसमें गाइस हर चीज़ है, आप जिस जो चाहते हो इस साइकिल में वो इस साइकिल में आपको प्रोवाइड मिलेगा। तो ऐसे लोग बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी बात बता दूँ, यस ये बहुत छोटी सी लेकिन बहुत काम वाली बात है। सो गाइस, इस साइकिल को मतलब जो बंदा रिकमेंड किया है उनका नाम है द 60 FPS गेमर, जो कि काफ़ी यूनिक सा नाम लग रहा है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे इस साइकिल के रिकमेंड किया कि भैया आप बनाओ इस पर वीडियो, मुझे देखना है, तो प्लीज़ आपके लिए वीडियो स्पेशली बनाओ और आप। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइकिल का नाम है कार्डियक फाल्कन। ये गाइस वन ऑफ द बेस्ट साइकिल में से एक मैं आपको बताने वाला हूँ। लीडर अल्टीमा 2060 के बाद ये वाला जो साइकिल है वो मैं दूसरे नंबर पर रखने वाला हूँ, क्योंकि इस साइकिल का प्राइस, आपका स्पेसिफिकेशन, इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स जो दी गई ना भाई, बेहतरीन दी गई हैं। और जो प्राइस सुनोगे ना भाई, सच में आपके होश उड़ जाएंगे जिस हिसाब से इसका कॉम्पोनेंट्स दिया गया है और जिस हिसाब से इसका स्पेसिफिकेशन है। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो साइकिल का हमने ये कार्डियक फाल्कन है, तीन बार हो चुका बोल दिया, कार्डियक फाल्कन 6 बार हो गया। सो गाइस, इस जो ये जो साइकिल है कार्डियक फाल्कन, इसको एज ग्रुप कौन सा बच्चे मतलब इजीली यूज़ कर सकते हैं, 13 साल के बच्चे जो ऊपर है, जो 13 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये गाइस यूनिसेक्स वाले है, यानी कि आप मेन हो या फिर फीमेल हो, दोनों मतलब आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस इसके टायर के बारे में। तो टायर मिलता है गाइस नायलॉन वाला। तो नायलॉन का जो टायर होता है वो काफ़ी बेसिक सा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो साइकिलिंग का या फिर आप साइकिल पर सीख चुके हो लेकिन आप गियर वाले साइकिल पर शिफ्ट करते हो, तो आपके लिए एक बेहतरीन साइकिल का जो टायर बन सकता है, काफ़ी सही टायर है यार, ऐसी बात नहीं ख़राब टायर है। आप ये तो पहली बार MTB बाइसिक है, तो इतना कोई घबराने की बात नहीं, MTB बाइसिकल में जो MTB का टैग लग गया तो उसमें अच्छे टायर मिलने ही मिलने, ये तो भाई बेशक वाली बात है, एकदम सही बात है। गाइस, जब आप साइकिल को खरीदोगे ऑनलाइन तो उसमें आपको एक मडगार्ड देगा, अगर आप ऑफलाइन भी खरीदोगे तभी मडगार्ड देगा, तो मडगार्ड इसमें मिल जाता है, जो कि मडगार्ड जो है वो एक प्लास्टिक का मिलता है। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं बॉडी के स्टेम के बारे में, क्या चीज़ से बना है। तो गाइस, ये हाई टेन स्टील के बारे में बना है, हाई टेंसाइल स्टील फ्रेम है ये। ठीक है, हाई टेंसाइल क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो स्ट्रांग होता है ना वो वाला। ये एल्युमिनियम फ्रेम का नहीं है, ये किसी भी कार्बन फ्रेम का नहीं है। ठीक है, ये हाई टेंसाइल जो स्टील फ्रेम होता है उससे बना हुआ है। गाइस, इसमें जो शिफ्टर मिलता है वो शिमानो की तरफ से आता है। अब आप शिफ्टर सुन लियोगे तो आपको लगता होगा शिमानो का ही कोई गियर लगा हुआ है, तो बिल्कुल आप सही सुने हैं। पर आगे थोड़ा बढ़ें और इसके बारे में कुछ स्पेसिफाई करें, उसके बाद मैं आपको इन टू एंड गियर्स एंड ब्रेक्स के बारे में बता देने वाला हूँ, क्या इसमें ब्रेक्स मिलता है, क्या इसमें गियर मिलता है। गाइस, इसमें क्विक रिलीज होता है, क्विक रिलीज का होता है भैया, जिसको नहीं मालूम बता दे रहा हूँ, जिसको मालूम बहुत अच्छी बात है, मेरी बात सुनो आप लोग, जिसको नहीं मालूम भाई, क्विक रिलीज़ होता है क्या है, जब आप जो फ्रंट टायर होता है ना उसमें एक क्विक रिलीज़ होता है, जब आप खोलोगे उसको तो चक्का आपका डायरेक्ट निकल सकता है। ठीक है ना, मतलब कि उस फ्रेम से डायरेक्ट निकल सकता है, तो क्विक रिलीज थोड़ा टाइट होता है, किसी में काफ़ी लूज़ होता है, किसी में काफ़ी मीडियम टाइप का होता है, इसमें मीडियम टाइप कर दिया हुआ, क्योंकि दिख भी रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इससे होता है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पूरे का पूरा साइकिल नहीं रखना पड़ता है, आप पिछले आगे वाला टायर निकाल के किनारे रख के आप उसको मतलब साइकिल को अंदर रख सकते हो अपनी डिक्की उक्की में। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस इसमें सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन इसमें थ्रेडलेस सस्पेंशन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। थ्रेडलेस सस्पेंशन मतलब होता है कि जब आप जब मतलब समझो कि एक होता है सस्पेंशन थ्रेडलेस का मतलब होता है जिसमें कोई किसी भी टाइप का थ्रेड ना लगाओ। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब गाइस हम लोग बात करते हैं गियर्स के बारे में, गियर्स। सो इसमें जो गियर मिलता है ये मिलता है मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स का, सॉरी ब्रेक्स का बात कर रहा था। तो इसमें गाइस मिलता है, इसमें मैकेनिकल ब्रेक्स मिलता है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेक्स में से आता है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक, सेकंड नंबर पर शिमानो, सॉरी शिमानो नहीं, ये जो मैंने मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स वो,
और थर्ड नंबर पर आता है हमारा वी ब्रेक, जिसको हम लोग रबर ब्रेक भी कहते हैं, जो कि रोड बाइक में जनरली देखा जाता है। अब रोड बाइक में वी ब्रेक इसलिए देखा जाता है क्योंकि वहाँ पे मतलब गाइस देखो, जो रोड ब्रेक जो हमारा जो कॉम्पिटिशन होता है रोड बाइक में, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो होता है साइकिलिंग कॉम्पिटिशन जनरली रोड बाइक्स पे होता है, जो कि MTB नहीं होती, वो एक रोड बाइक इसकी होती है मॉडल की होती है। तो भाई इसलिए उसमें कोई सा भी तरीके का किसी भी तरीके का मैकेनिकल डिस्ब्रेक नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि मैकेनिकल डिस्ब्रेक एक तरीके से तो पहली बात है भाई वो जो साइकिल को हैवी कर देता है, दूसरी बात मैकेनिकल डिस्ब्रेक का वहाँ पे कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि जब हम लोग रोड बाइक कंपटीशन करवाते हैं तो वहाँ पे कोई भी पानी वाले टाइप का कोई चीज़ नहीं होता है जहाँ पर वो ज़्यादा तक स्लिप कर सके, तो वी ब्रेक का इसमें वहाँ पे यूज़ होता है। मैं आपको रीज़न बता दिया। अब बात करते हैं भाई कि इसमें गियर क्या मिलता है। तो गियर मिलता है 21 स्पीड का, शिमानो का टर्नी का गियर मिलता है, टर्नी TY300 गियर मिलता है गाइस, ठीक है। और जो शिफ्टर मिलता है वो हमारा मिलता है गाइस शिफ्टर मिलता है E5500 जो मॉडल होता है, जो कि काफ़ी अच्छा मॉडल होता है, जिस हिसाब से आप साइकिल को लोगे काफ़ी बेहतरीन मॉडल है, ठीक है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं कि इसका प्राइस क्या है, देन प्राइस के बाद हम लोग बात करें कि भाई मेरे हिसाब से इस साइकिल को कितना रेटिंग देना चाहिए, ठीक है। तो इस प्राइस इसका है 12,468, ये फ्लैक्चुएट करता रहता है, लेकिन 13,000 से कभी ऊपर नहीं गया है, 11,000 से नीचे भी रहा है, 12,000 से ऊपर भी रहा है, तो 12,000 से भी ऊपर है। तो आप लोग थोड़ा सा ऑफर का इंतज़ार कर सकते हो, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट साइकिल ले सकते हो। तो ये जो साइकिल मिलेगा आपको फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा या फिर इसका ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा कार्डिक फाल्कन से, ठीक है। तो आप मॉडल सर्च कर सकते हो, इसके वेबसाइट पर जाके इसको ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो कि इक्विपमेंट्स क्या क्या मिल सकता है इसके साथ, आपका डिलीवरी चार्ज कितना लग रहा है, ठीक है। तो काफ़ी जनरली डिलीवरी चार्ज कम ही लेता है, जो मेन असेंबलिंग वाला होता है वो ऑलमोस्ट 90% असेंबल रहता है। और मैं अपने ओपिनियंस में बता दे रहा हूँ भाई, मैं आपको 5 out of 5 स्टार साइकिल देने वाला हूँ, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये जो साइकिल है इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं काट सकूं, और देखा है तो कुछ नहीं है, गियर है, डिस्क ब्रेक्स है, सस्पेंशन है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी का मैं समझ रहे हो, बहुत अच्छी है बिल्ड क्वालिटी एज द प्राइस रेंज। इससे पहले एक और मैं वीडियो बनाया था अराउंड 1 साल पहले, 9 महीने पहले, तो वो था गाइस लीटर अल्टिमा 2060 के बारे में। तो भाई 2060 जो हमारा वो साइकिल था, ये साइकिल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें जो गियर और डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं काफ़ी उससे अच्छे हैं। पेडल क्वालिटी उसमें बहुत ख़राब था, एकदम लो क्वालिटी का दिया गया था, अदर हैंड यहाँ पे जो पेडल क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया दिया गया। और जो चेन दिया गया है इससे मतलब चेन होता है वो काफ़ी बेहतरीन दिया गया है, जहाँ तक मैं वीडियो में देखा और मैं और स्पेसिफिकेशन और कंपनी के बारे में देखा, तो मतलब वैसा कोई भाई क्वालिटी में मतलब लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा मेरे हिसाब से। अभी भी गाइस आप लोगों का फिर अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, चैनल पर नेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से बताइएगा गाइस, और प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना आप लोग, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल द एंड, बाय गाइस।